G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आज भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने देश की कई कुरीतियों को रेड कार्ड दिया है, भ्रष्टाचार पर भी एक्शन हो रहा है, हम वही जाते हैं जहां पर सही जगह होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर एक्शन हो रहा है, जनता के पैसे की लूट और आतंकवाद पर लगाम कसी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया, नए भारत में रुकने का सवाल ही नहीं है। हमारी सरकार को अभी 75 दिन ही हुए हैं, मुस्लिम बहन बेटियों के साथ पहले देश में 3 तलाक जैसी कुप्रथा होती थी, लेकिन हमने इस कुप्रथा को भी खत्म किया और महिलाओं को समानता का हक दिलाया। नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद, जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले। फ्रांस में मुस्लिम समुदाय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गुजरात से जुड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और ये वीडियो खुद पीएमओ ने ट्वीट किया। और फ्रांस ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी तीसरे पक्ष को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस में है। कल रात राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक चली इस बातचीत में राष्ट्रपति मैक्रों ने कश्मीर, आतंकवाद, रक्षा, स्पेस, ऊर्जा समेत और कारोबार सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, फ्रांस भारत हर वक्त भारत के साथ खड़ा है लड़ाई पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हुए कई वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने सहयोगी जयराम रमेश का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है और ऐसा करके विपक्ष एक तरह से उनकी मदद करता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जयराम रमेश के बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मैंने हमेशा कहा कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि ऐसा करके एक तरह से विपक्ष उनकी मदद करता है।